हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरके और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कैसे आप गूगल फोटोज को गैलरी में कैसे ला सकते हो एक क्लिक करके। आपके 1000, 2000, 5000 जितने भी फोटो हैं एक साथ उनको आप डाउनलोड कर पाओगे। तो चलिए क्या प्रोसेस रहेगी ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम गूगल फोटोज ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये मेरे गूगल फोटोज कुछ पड़े हुए हैं, ठीक है। ये सारे गूगल फोटोज मेरे यहाँ पर पड़े हुए हैं, इन सभी को हम डाउनलोड करेंगे एक बार में, ठीक है। तो कैसे डाउनलोड करेंगे, सबसे पहले तो आपको एक ब्राउज़र ओपन करना है। मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद ऊपर की साइड में आपको सर्च बार मिलता है, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर गूगल फोटोस टाइप करना है और सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद ऊपर की साइड में यहाँ पर 3 डॉट्स रहेंगे, नहीं तो इसका ऐसा निशान रहेगा, यहाँ पर क्लिक करिए। तो यहाँ पर एक मेन्यू खुल जाता है ब्राउज़र का, यहाँ पर डेस्कटॉप साइड का एक ऑप्शन रहता है, इसको यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। तो ये जो वेबसाइट है ये हमने सर्च किया, ये डेस्कटॉप मोड में हमारा ब्राउज़र ओपन हो गया और यहाँ पर निशान लग जाता है डेस्कटॉप साइड पे, ठीक है। अब ये हमारा डेस्कटॉप मोड में ओपन हो गया है, हम थोड़ा सा इस तरह से बड़ा कर सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे ही बड़ा कर लोगे और ऊपर की साइड में आओगे तो यहाँ पर देखिए साइन इन गूगल फोटोज, यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हो, अगर आपका पहले से ही यहाँ पर लॉगिन है अकाउंट उसी ईमेल आईडी से जिसमें आपके फ़ोटोज़ पड़े हुए हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी वो ईमेल आईडी। थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ, गूगल फोटोज़ में जो भी आपने ईमेल आईडी लगा रखी है वही ईमेल आईडी यहाँ पर लॉगिन रखना। यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा अगर आपने लॉगिन नहीं कर रखा है, या फिर ईमेल आईडी अगर आपको चेंज करनी है तो आपका क्या करना होता है, इस पर क्लिक करना होता है। उसके बाद ईमेल आईडी आपकी आ जाती हैं जितनी भी यहाँ पर होंगी, और जिसमें भी आपके फ़ोटोज़ पड़े हुए हैं वो ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेना। और यहाँ पर नहीं आ रही है तो उस ईमेल आईडी से यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर लॉगिन कर सकते हो। जैसे ही लॉगिन करोगे तो यहाँ पर आपके फ़ोटोज़ देखने को मिल जाएंगे, जो भी आपने फ़ोटोज़ गूगल फोटोज़ में डाल रखे होंगे। अब इन फ़ोटोज़ को हमें डाउनलोड करना है, तो हमें क्या करना होगा, जैसे ही हम इसको थोड़ा सा पास करते हैं यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे तो ये देखिए डेट के ऊपर एक चेक मार्क का निशान आ जाएगा, यानी इस डेट में जितने भी फ़ोटोज़ आपने क्लिक किए होंगे वो फ़ोटोज़ सेलेक्ट हो जाएंगे अगर मैं डेट सेलेक्ट करता हूँ। जैसे देखिए मैंने डेट पर क्लिक किया तो इस डेट के ये 2 फ़ोटोज़ हैं ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गए। इसी तरह से अगर एक ही सेम डेट के आपको फ़ोटो सेलेक्ट करने हैं तो यहाँ पर डेट वाइज सेलेक्ट कर सकते हो, और जो अलग फलग फ़ोटोज़ मान लीजिए एक डेट में एक ही फ़ोटोज़ खींचा गया है तो उसको इस तरह से क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं इनको सेलेक्ट कर रहा हूँ। और एक ही डेट में अगर आपने कोई फ़ोटोज़ क्लिक किए होंगे तो उनको आप एक साथ क्लिक कर सकते हो। जैसे देखिए ये फ़ोटोज़ एक ही डेट में एक साथ क्लिक हुए थे, तो इस डेट को जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया ये चारों के चारों फ़ोटोज़ यहाँ पर सेलेक्ट हो चुके हैं। अब सारे आपने फ़ोटो सेलेक्ट कर लिए मान लीजिए क्लिक करके, अभी मैंने ज़्यादा टाइम भी नहीं लिया और यहाँ पर करीब 18-19 फ़ोटो सेलेक्ट हो गए, ठीक है। इस तरह से आपको क्लिक करके यहाँ पर फ़ोटो सेलेक्ट कर लेने हैं, जितने भी आपको चूज़ करने हैं चूज़ कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर राइट साइड में ऊपर की तरफ यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करेंगे जब हम, तो यहाँ पर 3 डॉट्स आ जाएंगे। ये देखिए ये 3 डॉट्स हैं, इन पर क्लिक करिए, और इन पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर डाउनलोड का एक ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही डाउनलोड पर क्लिक करोगे तो ये जो हमारी जितने भी फ़ोटो हमने सेलेक्ट करे हैं वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन अभी हमें उनको एक्सट्रैक्ट करना होगा। देखिए डाउनलोड हो रहे हैं लेकिन क्या है कि ये अभी जिप फाइल है तो इसको हमें एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो कुछ मोबाइल में एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन मिलता है, कुछ में नहीं मिलता है, तो दोनों का ऑप्शन मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है, कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये हमारा डाउनलोड हो गई ये फाइल, हम क्या करेंगे, फाइल मैनेजर में जाएंगे, डाउनलोड्स में जाएंगे। डाउनलोड्स में जाने के बाद यहाँ पर देखिए फ़ोटोज़ जिप फाइल अभी जो हमने डाउनलोड करी थी वो यहाँ पर आ चुकी है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये एक्सट्रैक्ट करने को बोलेगा कि एक्सट्रैक्ट करिए, तो हम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट फाइल टू यहाँ पर नीचे लिख के आ गया है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये फोल्डर पूछेगा कहाँ एक्सट्रैक्ट करनी है। तो हम चलिए एक खाली फोल्डर ले लेते हैं, जैसे कि पहला फोल्डर यहाँ पर सेकेंड वाला बुक का फोल्डर है तो ये खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पर ही हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर नीचे की साइड में एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आ जाएगा पहले नंबर पर, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा एक्सट्रैक्ट होके फोल्डर यहाँ पर जो भी हमने फ़ोटो डाउनलोड किए हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर जैसे ही फ़ोटोज़ वाले पे क्लिक करते हैं ये देखिए हमारे फ़ोटोज़ डाउनलोड हो गए, ठीक है, ये अभी हमने फ़ोटोज़ डाउनलोड किए हैं वहाँ से।
देखिए मैं ओपन करके आपको दिखा दिया, ये फ़ोटोज़ यहाँ पर इस तरह से आ जाते हैं, ठीक है। ये हमारे फ़ोटो डाउनलोड हो चुके हैं। अब किसी के मोबाइल में यहाँ पर एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन ही नहीं आता है, तो उनको क्या करना है, यहाँ पर आपको प्ले स्टोर पर आना है। प्ले स्टोर पर आने के बाद यहाँ पर RAR बस इतना टाइप करके सर्च कर देना है फाइल, और यहाँ पर एक ऐप आ जाएगी RAR की, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो मैं इसको डाउनलोड करके फिर इसमें एक्सट्रैक्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारी ऐप यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है, इसको ओपन करते हैं। इसमें हम उस फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर एक बार इसको अलाउ कर देते हैं ताकि ये एक्सेस कर सके हमारे मोबाइल की जो फोल्डर्स हैं उनको, ठीक है। इसको डिसमिस कर देते हैं। अब यहाँ पर कहाँ आपने डाउनलोड हुआ था, आपका डाउनलोड का फोल्डर यहाँ पर आपको ढूंढना होगा। ये देखिए डाउनलोड का फोल्डर आ गया है। डाउनलोड पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो वो फ़ोटो हमें ढूंढना होगा जहाँ हमने ये जो हमारे फ़ोटोज़ जिप फाइल में डाउनलोड हुए। ये देखिए जिप फाइल है photos.zip, ठीक है। 8 MB का ये फोल्डर है, इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। इस पर हमने चेक मार्क कर दिया इस तरह से। चेक मार्क करने के बाद देखिए यहाँ पर एक प्लस का आइकॉन रहता है और ये ऊपर की साइड एक एरो बना है, जो एरो सेकंड वाला बना है, ठीक है। इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ब्राउज़ का एक ऑप्शन है, यहाँ पर ब्राउज़ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको बताना है किस फोल्डर में आपको एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये इको वाला एक फ़ोल्डर है, इस पर क्लिक करते हैं, ये खाली पड़ा हुआ है, और यहाँ पर इसको ओके कर देते हैं। और दोबारा से यहाँ पर नीचे की साइड में ओके का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करते हो ये आपके फ़ोटोज़ यहाँ पर फिर से एक्सट्रैक्ट हो गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये सारे फ़ोटोज़ हमारे ओपन हो गए हैं, जितने भी हमने सेलेक्ट किए थे, ठीक है। जो मैंने उसमें आपको ओपन करके दिखाया था वो यहाँ पर भी फ़ोटोज़ हमारे ओपन हो गए हैं। तो जिनका यहाँ पर मोबाइल से डायरेक्ट यहाँ पर एक्सट्रैक्ट नहीं होता है, तो RAR फाइल आप डाउनलोड कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पर गैलरी में अगर मैं जाता हूँ तो देखिए यहाँ पर हमारे फ़ोटोज़ डाउनलोड हो चुके हैं 2-2 बार। तो इस तरह से आप फ़ोटोज़ यहाँ पर ईज़िली डाउनलोड कर सकते हो एक ही क्लिक करके, अपने गूगल फ़ोटोज़ के सारे फ़ोटो। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।